ये अपने आप में एक मील है, परांठी ले लो, अचार ले लो, चाय का कप ले लो, वाओ क्या बात है, और किसी चीज की जरूरत ही नहीं। हाय गाइस, तन्मय दिस साइड फ्रॉम कुकिंग बाजी विद मम्मा। आज क्या बनाया है? मिक्स सब्जियों का अचार, गोभी, गाजर, शलगम का खट्टा मीठा अचार। वीडियो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आइए स्टार्ट करते हैं, बहुत टेस्टी सर्दियों की वन ऑफ द स्पेशलिटीज है। अब ये बताओ, आपने स्टार्टिंग से क्या क्या सब्जियां ली है, कैसे करा है इसको, ये स्टेज पे कैसे आई है? अच्छा, सबसे पहले हमने फूल गोभी ली है। हाँ, फूल गोभी हमने आधा किलो ली है। ओके। और इसके फ्लोरेट्स काट लिए, ना ज्यादा बड़े ना ज्यादा छोटे, मीडियम साइज। देन हमने लिया है गाजर, गाजर और शलगम मिला के ये भी आधा किलो है। अच्छा, तो अप्रोक्सीमेटली 250-250 ग्राम है, तो एक किलो सामान लिया। टोटल हमने लिया है 1 kg। 1 kg है ये। तो अब इसके पीसेस काट के अच्छे से धो के फिर एक बॉइलिंग वाटर, एक पैन में पानी उबलना रख दो। हाँ। उसमें ये डाल दो और उसके बाद 2-3 मिनट के बाद ही उबले हुए पानी में रखो, बस 2-3 मिनट, उसके बाद निकाल दो, अच्छे से ड्रेन कर दो और फिर इसको अच्छे से कहीं स्प्रेड करो, सुखा दो, सन ड्राई कर दो, जैसे मर्जी आपने सुखाना सुखाओ। आप ओवरनाइट भी इसे सुखा सकते हो, बट हमारा मेन ये चीज है कि इसका मॉइस्चर कंटेंट सूख जाना चाहिए, नहीं तो ये फिर अचार खराब हो जाएगा, जो सब्जियों का अचार बना रहे हैं। हाँ, अब ये क्या हो रहा है? अब हमने लिया है सरसों का तेल 1 कटोरी। अच्छा, अब इसको सरसों का तेल को हमेशा जलाएंगे, अभी हम वेट कर रहे हैं, फिर इसको स्लो कर देंगे। हाँ, अभी हो रहा है, स्लो कर देंगे। एकदम जलते हुए में कभी कोई चीज नहीं डालनी, और जो भी आप पैन में बना रहे हो वो थोड़ा सा खुला वाला लो, ताकि आपको ये मिक्स करने मसाले वगैरह वो इजी हो। ये है हमारा लहसुन, ठीक है, लहसुन को ग्रेट किया है और ये 2 टेबलस्पून है। अच्छा, 2 चम्मच लहसुन है। हाँ, ग्रेटेड 2 बड़े चम्मच है, अदरक है, ये भी ग्रेटेड। इसको आप मिक्सी में भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपने इसको मिक्सी में किया तो पानी डाल के नहीं करना, क्योंकि इसमें फिर वाटर कंटेंट आ जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना है हमें, ठीक है। तो हमने इसे ग्रेट किया, वेरी इजीली हो जाता है। उसके बाद हमारे पास गुड़ है, 3/4 से थोड़ा ज्यादा लिया है मैंने, और ये है हमारा व्हाइट विनेगर, ठीक है। अब सबसे पहले बना रहे हैं, क्योंकि विनेगर को हम इसमें डाल देते हैं, जब तक हमारा बनेगा गुड़ सॉफ्ट हो जाएगा, ये लास्ट स्टेज में डलेगा, ये हमारा गुड़ थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। ये विनेगर डाला हुआ है और विनेगर ये हमने ऑलमोस्ट 3/4 छोटी वाली ली है, छोटी कटोरी, 3/4 वन भी ले सकते हो डिपेंडिंग। उसके बाद हमारे ये खड़े मसाले जाएंगे, 2 मोटी इलायची, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इससे, 4 लौंग, 4 से 5, 6 से 7 काली मिर्च, 1/2 टीस्पून धनिया सीड्स, 1/2 टीस्पून मेथी सीड्स, ये हमारे मेथी सीड्स हैं, 1/2 टीस्पून, इससे ज्यादा नहीं लेना है। दालचीनी 2 छोटे छोटे, ये अब हम क्यों ले रहे हैं, हम डायरेक्ट गरम मसाला भी डाल सकते थे, लेकिन जो हम अपने आप बनाएंगे मसाला उसका फ्लेवर बिलीव मी बहुत अच्छा आएगा। इसको फ्रेशली मेड, हाँ, इसको पहले रोस्ट करके फिर करना है। अब इसके साथ ही इसमें ये भी जाएगा, 2 टीस्पून सौंफ, 2 टीस्पून जीरा, 2 पिंच हींग, ठीक है, ऐसा 2 पिंच। ये सारे बेसिकली हमें रोस्ट करने हैं, हमारी सौंफ, जीरा। अब इसको स्लो हीट पे करना है हमें, जब मसाले कभी भी हम रोस्ट करते हैं इनको हाई पे नहीं करते हैं, हमेशा इन्हें स्लो पे करते हैं। अब ये हमारा मसाला पीस लिया है हमने रोस्ट करने के बाद, अब सबसे पहले हम क्या लेंगे, हींग है ये, एसाफेटिडा। उसके बाद हमारा जाएगा लहसुन, लहसुन। जो लोग बिना प्याज लहसुन के खाते हैं वो इस स्टेप को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है, इस चीज को करेंगे अवॉइड। अदरक 2 टेबलस्पून। बेसिकली इसमें तेल ज्यादा इसलिए डलता है ताकि प्रिजर्वेशन हो, जो ऑयल है वो भी प्रिजर्वेटिव होता है, जो गुड़ है ये इसमें विनेगर, जो वाइट सिरका डलेगा, विनेगर मतलब वाइट सिरका, तो ये सब सारे प्रिजर्वेटिव होते हैं। सॉल्ट हमेशा, जो भी अचार बनाओ सॉल्ट उसमें हमेशा ज्यादा डलता है। मसाला जो पीसा है इसमें काली इलायची का छिलका निकाल दिया, मोटी इलायची। इस स्टेज पे इसको थोड़ा, अगर आपने कच्चा रख दिया अगेन आपका अचार खराब होने का डर रहेगा, तो इसे आप लाइट ब्राउन करोगे, जो भी सिकाई करोगे पूरी करोगे। हाँ, मीडियम फ्लेम पे करनी है इसे, ठीक है। इस मसाले की जगह आप दूसरा गरम मसाला भी डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन इससे जो खुशबू आएगी बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब जब तक ये हो रहा है हम इसमें मसाले देखेंगे क्या क्या जाएंगे।
ये कश्मीरी मिर्च है, ये कड़वी नहीं होती, इसका कलर बहुत अच्छा होता है। तो ये आराम से हम दो ये टीस्पून डालेंगे इसमें। ये मसाला हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है अपना मसाला। हल्दी एक चम्मच जाएगी और धनिया पाउडर भी हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि हमने उसमें धनिया के सीड्स डाले थे। और फाइनली नमक, इसके अलावा और कुछ नहीं डलेगा। अच्छा, तेल हम इसमें अचार में हमेशा सरसों का तेल डालते हैं। सरसों वैसे तो आप दूसरा भी डालो, बट सरसों के तेल में अचार नॉर्मली बनता है। अब ये हमारा इसका कलर चेंज हो रहा है, ये देखिए। तो अब इस स्टेज में मसाले स्टार्ट करेंगे। गैस को पहले स्लो करो। सबसे पहले हम डालते हैं हल्दी, और ये हमारा बना हुआ ये मसाला, ये पूरा जाएगा। मिला लो इनको सबको। अब हम अपनी सब्जियां लेंगे और सब्जियां डालेंगे। अगर हमने ये कढ़ाई छोटी ली होती तो इस स्टेज में हमें प्रॉब्लम आती, इसलिए थोड़ा सा बर्तन हमें खुला लेना है और इसे अच्छे से मिलाना है ताकि ये मसाले सारे इनमें मिक्स हो जाएं। अब इस स्टेज में हम नमक डालेंगे। अब नमक इसमें आराम से 3 टीस्पून जाएगा, 3 से 4 के बीच में चला जाएगा, क्योंकि हमने गुड़ भी डालना है तो इसलिए थोड़ा नमक तो रहेगा ही रहेगा, उससे अचार जल्दी ख़राब नहीं होता। हम क्योंकि ये इंस्टेंट अचार बना रहे हैं, जैसे हमारे घर में बनता है, मैं ऐसे ही बता रही हूँ जैसे हम लोग बनाते हैं। हम इसको अब थोड़ी देर चलाएंगे, वेट करेंगे। ये अदरक के देखो इसमें वो पूरे लच्छे लच्छे आ रहे हैं, लहसुन की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। थोड़ा वेट करेंगे ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, थोड़ा सा कुक हो जाए। अब हमारा सिर्फ एक इंग्रेडिएंट बचा है, और वो हमारा इंग्रेडिएंट बचा है जो हमने मिक्स किया हुआ है, गुड़ और वाइट सिरका। ये हम एंड में डालेंगे, अभी नहीं डालेंगे। बस ऐसे चलाना है, कम से कम 5 से 10 मिनट तो इसको हम चलाएंगे। चलो ये अप्रोक्सीमेटली हमने 5 मिनट इसको पाँच से 7 मिनट हमने इसको किया है। और अब हमने देखा है कि ये तेल अब इसने छोड़ना शुरू कर दिया है। पहले हमें लग रहा था तेल कम है, और हमें ज़्यादा इसे ओवर कुक नहीं करना, ठीक है। अब इस स्टेज में हम अपना विनेगर और गुड़ डाल देंगे, विनेगर और गुड़ डालेंगे, और अब ये थोड़ा सा चलाएंगे। अब इसको ठंडा करके खाना है। हाँ, मैं बताती हूँ, पहले इसको अच्छी तरह से मिला लो। अच्छा, ठीक है। और ये विनेगर से गुड़ से, विनेगर और गुड़ का कॉम्बिनेशन, ये गुड़ जो होता है ये मिठास देगा। एक्चुअली ये अचार होता है थोड़ा सा टैंगी, थोड़ा सा स्वीट, है ना, चटपटा सा। टैंगी, स्वीट, चटपटा सा, बड़ा टेस्टी लगता है ये अचार। रोटी के साथ, ट्रायंगल वाली परांठी के साथ, परांठी के साथ खाओ, प्लेन परांठी के साथ मजा आएगा। अच्छा, ये ना एक्चुअली क्या है, अब हम गैस बंद कर रहे हैं इसको। जैसे हम बात कर रहे थे कि ये अपने आप एक मील है, परांठी ले लो, अचार ले लो, चाय का कप ले लो, वाओ क्या बात है, और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। अब ये तो बात है, ये सर्दियों का स्पेशल है, ये हम लोग सिर्फ कभी कभार नाश्ता ही यही करते हैं। हाँ, परांठी खाएंगे, अचार ले लेंगे। ये हमने एक्चुअली इसको 5 से 7 मिनट कुक किया है, तो अब हमें इसे कोई धूप लगाने की जरूरत नहीं, कोई 3-4 दिन रखने की जरूरत नहीं, कल हमारा ये रेडी होगा। लेकिन इसको स्टोर करने के लिए जो सारा अचार है, अब हमें किसी में भी डाल देंगे और हमें इसे ठंडा करना है। अच्छा, इसे ठंडा ओवरनाइट करने देंगे अपने? हाँ, ओवरनाइट करेंगे, अपने आप हो जाएगा। फ्रिज में तो नहीं रखना ना? नहीं नहीं नहीं, अपने आप ही हो जाएगा, और उससे थोड़ा ये गाढ़ा भी हो जाएगा। इसको स्टोर करने के लिए इसे कोई ग्लास के एयरटाइट कंटेनर में डालेंगे, आज नहीं कल डालेंगे। अपने आप इसे ठंडा होने दो, कोई इसे रेफ्रिजरेट अभी करने की जरूरत नहीं है। जब ठंडा हो जाएगा फिर आप एक ग्लास के एयरटाइट कंटेनर में, ड्राई वाले में डाल के, और उसके बाद आप इसको रेफ्रिजरेट कर दो। ये आराम से 10-15 दिन तो आराम से चल जाएगा। वैसे ये 10-15 दिन का है ही नहीं, हमने बनाया है बहुत थोड़ा है, बट अदरवाइज इतना रेफ्रिजरेट करके चल जाता है। लो जी, रेडी हो गया ये। हाँ, अब ये बिल्कुल रेडी टू ईट है, बिल्कुल टेस्टी, क्रंच भी है, गल भी गया है, और मसाले सारे आपस में रच मिच गए हैं। हमें कैसा पता, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इसको टेस्ट कर चुके हैं 1-2 बार। हाँ, तो ट्रैवलिंग मजे डेली व्लॉग में भी देख चुके हो गए अब तक तो, और बहुत ही टेस्टी लग रहा है। परांठी के साथ तो मस्त लगता है, इसके साथ कोई और जरूरत ही नहीं है। ओवरनाइट रच मिच जाता है ना, जो उसका टेस्ट ही एकदम कमाल का आता है। खट्टा मीठा अचार, बहुत टेस्टी लगता है। तो टेस्ट करूं मैं इसको? बिल्कुल बिल्कुल टेस्ट। उससे पहले दिल से बनाओ
सबको खिलाओ इसलिए ज्यादा बनाओ। भाई ये वाला जो अचार है ना, इसको तो चाय के साथ खाने में मजा आता है, देसी अंदाज से। उमा मेरे को तो ऐसे ही पसंद है अचार। और ये देखो कितना बढ़िया रच मिच गया अचार है ना। बिल्कुल बिल्कुल। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। इतना टेस्टी होता है ना, पता भी नहीं चलता कब आया कब गया। ऐसा बहुत टेस्टी अचार है, मतलब ये तो मेरी हर साल की मेमोरी में होता है ये अचार खाना। और कुछ और चुनिंदा चीजें होती है विंटर स्पेशल, जो कुछ आपने देख लिया, कुछ एक आध जो बची है वो आ भी जाएगी। कुकिंग बाजी को सब्सक्राइब कर दो, दिल से बनाओ, सबको खिलाओ इसलिए ज्यादा बनाओ, और ये अचार तो खास कर बनाओ।